जय माता दी, जय माँ कामाख्या, क्रीम काली काय नमः, काली तारा महाविद्या षोड़शी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या दुमा तदा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एत दस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। जो भी मनुष्य गुरु से दीक्षा लेकर के इन दस महाविद्या में से किसी भी एक महाविद्या की साधना करता है और गुरु के निर्देशन में रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके पूजा पाठ जप तप हवन यज्ञ करता है और गुरु की यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार तन से मन से धन से सेवा करता है, उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिण काली के, क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम, त्रिम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम, स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध, त्रिम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम, झोम ओम ओम वश ठ ठ। ये सब तांत्रिक मंत्र हैं और तंत्र में बड़ी ताकत होती है। हर असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है, बशर्ते कि एप्लीकेशन जो देवी देवता के सामने एप्लीकेशन लगती है वो एप्लीकेशन लगाने का तरीका सही हो, यानी आपका वकील सही होना चाहिए, तो निश्चित तौर से आपका हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। और एप्लीकेशन लगाने के लिए यदि वकील अच्छा करोगे तो थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। जो वकील जितना महंगा होता है उतना अच्छा भी होता है, जो डॉक्टर जितने ज्यादा पैसे लेता है उतना आपका इलाज भी अच्छा करेगा, क्योंकि वो पैसे ले रहा है, आपसे धन ले रहा है और उसके बदले वो अपनी सेवाएं दे रहा, अपना अनुभव दे रहा, अपनी मेहनत दे रहा, अपना समय दे रहा है। इसीलिए किसी अच्छे तांत्रिक के माध्यम से यदि आप भगवती की पास एप्लीकेशन लगाते हैं तो निश्चित तौर से आपका कार्य अवश्य सफल होगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आप देव राधा ट्रस्ट से तंत्र के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को, कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, अचानक उसको गांजे की खुशबू आने लग जाए, अचानक बीड़ी सिगरेट की खुशबू आने लग जाए, आसपास बिल्कुल घर में शुद्धता है, स्वच्छता है, पवित्रता है, झाड़ू लगा हुआ है, कोई भी स्मोकिंग नहीं करता है, कोई भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता घर के अंदर, और अचानक सिगरेट की सुगंध आ जाए, या अचानक एक गांजे की खुशबू आ जाए, या खुशबू आने के बाद में आपको थोड़ा सा एक दो पांच सेकंड के लिए यदि आपको एक दो सेकंड के लिए यदि आपको थोड़ा सा झटका महसूस हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके आसपास कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो गांजा पीने वाली है। तो मनुष्य को यदि घर के अंदर बिना हवन किए हवन की खुशबू आने लग जाए, आसपास कहीं पर रोटी नहीं बन रही हो परंतु रोटी के जलने की खुशबू आने लग जाए, घर के अंदर शुद्धता स्वच्छता पवित्रता है परंतु अचानक एक गंदी बदबू आने लग जाए, या ऐसी स्मेल या ऐसी गंध जो घर के अंदर नहीं हो सकती, मांस के सड़ने की या मांस के जलने की खुशबू या बदबू आने लग जाए, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके आसपास कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई है। और ऐसा यदि आपको चार छह आठ दस बार हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि निश्चित तौर से आपके ऊपर कुछ न कुछ किसी ने कुछ तंत्र विद्या कर दी है जो आपके शरीर को अब नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगी। तो ऐसी स्थिति में जितने जल्दी हो सके किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर के इसका इलाज कराना चाहिए। यदि आपने इस बीमारी में
यदि आपने इस बीमारी में लेत लाली कर दी, जाने हमें समय लगा दिया, जितने ज्यादा यह पुराना होता जाएगा उतना उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, और जब उसकी शक्ति बढ़ जाती है तो आप ये मान करके चले कि वो आपके शरीर के अंदर की बीमारियां उत्पन्न करने लगेगा। आपको सिगरेट बीड़ी पीने की आदत डल सकती है, या फिर आपका शरीर खराब हो सकता है, आपका नाभि और नाभि के स्थान और नाभि के नीचे के स्थान खराब होने का डर रहेगा, किडनी खराब हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन आपका लग सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके इलाज करा लीजिए। तो ये सिम्टम होते हैं कि तंत्र ने अटैक कर दिया, किसी प्रेत आत्मा ने अटैक कर दिया, किसी चुड़ैल ने कर दिया, किसी डाकन ने कर दिया, किसी वीर ने भी हो सकता है कि वह भी आपके ऊपर इस प्रकार का असर कर सकता है, कोई मसान भी लग सकता है। अब आप यदि ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, तो आप इन बातों को नहीं मानोगे, परंतु जब आपके साथ ऐसी घटना 8-10 बार हो जाए कि अरे मैं सिगरेट नहीं पीता, कोई मेरे पास सिगरेट पीने वाला नहीं, फिर भी सिगरेट की या गांजे की खुशबू क्यों आ रही है, बस ये समझ लीजिए। यदि खुशबू आ रही है किसी प्रकार से इस प्रकार की जो घर के अंदर नहीं है, तो घर के अंदर तंत्र हो गया। अब घर के अंदर क्लेश, दुख, परेशानी और अशांति अवश्य उत्पन्न होगी। धीरे धीरे घर बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो सकता है, और बीमारियां लग सकती है, उसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि यदि किसी भी मनुष्य को इस प्रकार की कोई भी स्मेल, जो घर के अंदर है ही नहीं, घर में कभी हवन नहीं कराया परंतु हवन की खुशबू आने लग जाए, और यदि दीवार के अंदर ऑटोमेटिकली सीलन आकर के दीवार के अंदर दरार पड़ जाए, तो भी समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज करा लेना चाहिए। तो मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, और आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। कामाख्य वरदे देवी नीलप्रतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी धायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय हो ननकीराम महाराज की जय हो।